नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तुषार है और आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ फिल्टर्स। तो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं हमारे एक्वेरियम में। आप देखोगे कि बहुत ही एक ज़रूरी पार्ट है हमारे एक्वेरियम के इकोसिस्टम का। और बहुत तरीके के फिल्टर्स होते हैं। कैनिस्टर फिल्टर होता है, सम फिल्ट्रेशन होता है, इंटरनल फिल्टर होता है। जैसे कि आप इसमें देखोगे ना, मेरे में इंटरनल फिल्टर लगा हुआ है। तो इन फिल्टर्स, मतलब इतने सारे जो फिल्टर्स होते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, उनका क्या पर्पस है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि फिल्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखोगे कि, तो आप कभी भी किसी एक्वेरियम शॉप पे जाओ, स्टोर पे जाओ ना, तो वहां पे बहुत सारी मेडिसिन आपको मिलेंगी, इस डिजीज के लिए ये मेडिसिन। एक जैसे होती है, एक करके डिजीज होती है, इसमें व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं फिशेस को, उसके लिए मेलाफिक्स एक आती है, फॉर्मेल्डिहाइड आती है, और एक फिन रॉट हो जाता है फिशेस को। जैसे मेरे भी हैं इसमें एक्वेरियम में, नियॉन टेट्रास को हो गया था। उसमें क्या है कि वो उनका फिन थोड़ा सड़ने लग जाता है, पीछे से थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है, उसके बाद वो इवेंचुअली मर जाती है। और भी बहुत तरह की डिजीज होती है कि उनकी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, ऐसे करके कर्व हो जाती है और धीरे धीरे करके वो मर जाती है। तो आप अगर उन सबका, मतलब अगर आप मेडिसिन पे जाओगे, डिजीजेस पे जाओगे, तो उसमें बहुत एक लंबा डिस्कशन हो सकता है। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे ओपिनियन में, कि अगर आपके एक्वेरियम के पैरामीटर्स स्टेबल हैं, अगर आपका वाटर हेल्दी है, आपका पूरा इकोसिस्टम एक्वेरियम का अच्छा है, तो कोई भी बीमारियां नहीं होंगी, आपके फिशेज हेल्दी रहेंगे, इवन वो ब्रीड भी करेंगे। इस एक्वेरियम में भी मैं पहले तीन या चार गपीज लाया था, जिसमें कि दो मेल थे, एक फीमेल था, एक फीमेल थी, और मतलब है, फीमेल तो है अभी भी, और एक और फीमेल थी। मतलब दो मेल और दो फीमेल का पेयर लाया था मैं, और उसके बाद उन्होंने ब्रीड किया और पांच छह गपीज हो गई हैं, अब उनको बड़ी भी हो गई हैं। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिल्ट्रेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों? अगर आप बाहर एनवायरनमेंट में देखोगे, जो रिवर्स होती है, उन रिवर्स में ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। अगर आप पानी को एक जगह छोड़ दोगे, तो उसमें आप देखोगे थोड़ा टाइम बाद उसमें कुछ जर्म्स हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे, और वो इवेंचुअली खराब हो जाएगा। तो इसलिए फिल्टर बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत ही कॉमनली यूज फिल्टर है फ्रेश वाटर एक्वेरियम में, वो आपका इंटरनल फिल्टर होता है, जिसमें कि स्पॉन्ज होता है, और एक केमिकल फिल्ट्रेशन होता है, और एक बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्टर्स और भी बहुत तरीके के आते हैं। कैनिस्टर फिल्टर आता है, सम फिल्ट्रेशन होता है, और हैंग ऑन फिल्टर भी होते हैं, जिसमें कि फिल्टर आपके एक्वेरियम के बाहर लगा रहेगा, पानी ऐसे सर्कुलेट होकर उसमें आएगा और वो फिल्टर होकर फिर नीचे गिरता है। तो बेसिकली पर्पस ये है फिल्ट्रेशन का, कि अमोनिया और नाइट्रेट के लेवल को बैलेंस रखना, अमोनिया को कम करना। तो जितने भी फिल्टर होते हैं, ये सारे उस चीज़ को अचीव करते हैं। डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। बहुत छोटा टैंक है अगर, तो उसमें आप यूजुअली लोग कैनिस्टर फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जगह नहीं होती है कि आप इंटरनल फिल्टर को उसमें साइड में लगाओ। अगर आपका वाइड रेक्टेंगुलर टैंक है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। बट मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, तो पॉइंट ये है कि आपके वाटर पैरामीटर्स बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर वो बैलेंस्ड हैं, तो आपको किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कितना भी उसका पीएच डेली आप नाप सकते हो, टेम्परेचर नाप सकते हो, अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन है, वाटर क्वालिटी गुड है, तो आपके फिशेस को कोई हार्म नहीं होगा, दे विल बी हेल्दी। तो ये सारी तो बातें हो गई वाटर पैरामीटर्स की, और वाटर क्वालिटी की, और एक्वेरियम को स्टेबल रखने की। मैंने एक फिल्टर भी ऑर्डर किया है, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने अनबॉक्स करूँगा। ये भी एक इंटरनल फिल्टर है, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है इसके अंदर से। तो ये मैंने 880 लीटर्स का मंगाया है, 880 लीटर्स पर आवर फिल्ट्रेशन है इसका। तो खोलते हैं, है, और इसकी जो
इसका जो मॉडल है वो FFG 04 है, और इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि इसमें जो आप ये देखेंगे ना इस तरह से इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, और इसमें एक रॉड भी है जिस जो कि आप ऐसा स्प्रिंकलर स्प्रे वाल की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए खोलते हैं। ये एक उनका कार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये एयर इनटेक के लिए है, जो पंप में एयर इनटेक होता है। ये आउटपुट है, तो ये पूरा खाली है। तो ये जो है ये आपकी स्प्रे बार्स हैं, ये फिल्टर में लगेगी, और ये आपका मेन यूनिट है, और ये एक्स्ट्रा ये स्पॉन्ज फिल्ट्रेशन है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, मींस कि ये दो पार्ट में भी हो जाएगा। अगर आपको आपका एक्वेरियम छोटा है तो आप ये तीन ही यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो दो सेक्शंस हैं इसके, इसमें ये वाला जो सेक्शन है दिस इज फॉर केमिकल फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये एक्टिवेटेड कार्बन है इसके अंदर, और ये जो है ये आपके वो सेरेमिक नूडल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो यूजुअली आपने जो देखा होगा घरों में फिल्ट्रेशन, इस फिल्टर को ऑर्डर करने का जो पर्पस था वो यही था कि मेरा एक्वेरियम आप जैसे देखोगे तो 2 फिट का 2.5 फिट का है, और उसमें अगर मैं इस तरह का डायरेक्ट आउटलेट वाला लगाऊंगा फिल्टर ना, तो उसमें फ्लो बहुत ज्यादा होगा और जो मेरे प्लांट्स हैं ना वो उखड़ भी सकते हैं, और फिशेस भी छोटी हैं, नियॉन टेट्रास और गप्पीज हैं, तो इसलिए इसको मैंने ऑर्डर किया था। तो इसका जो आई थिंक स्प्रे बार है वो ये है, जो कि इस तरह से लगेगा। तो नहीं, चलिए देखते हैं इसको कैसे असेंबल करते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे शायद। ये आपका एयर इनटेक के लिए है, ये वाला पोर्शन जो है आपका ये एक्वेरियम के बाहर रहेगा, क्योंकि ये एयर इनटेक होगी इससे और ये फिल्ट्रेशन होके इधर से बाहर निकलेगा। सेकंड इज एक बार इसका वो देखता हूँ, ये भी मेड इन चाइना, ये चाइनीज में लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा समझना मुश्किल है। ये इसके रिसिप्ट है, थिंक ये मिल जाएगा। ये तो जैसे मैंने बताया कि ये आपका एयर इनटेक के लिए है, इसमें आप ये लगा सकते हैं, ये मूविंग भी है तो आप अपना फ्लो किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और ये जो आपका ये जो थिन है थोड़ा, आप नॉर्मली फिल्टर्स में देखोगे तो वो गोल होता है, तो इससे भी काफी प्रेशर कम हो जाता है, आपका स्टेबल रहता है क्लियर।
तो ये तो हो गया ये वाला अटैचमेंट। दूसरा जो मैं आपको स्प्रे बार का कॉन्सेप्ट बता रहा था, जो एक अच्छी चीज लगी मुझे, तो अब जैसे कि आप इसको मैं असेंबल कर लेता हूँ पहले, ये आप देखेंगे तो ये स्प्रे बार है जिसमें कि छोटे छोटे होल्स हैं, जिससे कि आपका एक फिल्टर होने के बाद वो पानी ना इसमें से गिरेगा। तो इसको लगाते हैं, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब चलिए देखते हैं इसके बाकी कंपार्टमेंट्स में क्या है। तो ये जो है ये आपका बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए है, ये सेरामिक, इसको सेरामिक नूडल्स भी कहते हैं। तो इसकी जगह आप, अगर आपके पास अपना जो पहले से ही एक्वेरियम में यूज करा, मतलब डायरेक्टली अगर इसको लगाएंगे तो वो बैक्टीरिया इसकी कॉलोनी बनने में टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से थोड़े नूडल्स बाहर निकाल के रख दें और बाकी जो आपके एग्जिस्टिंग है वो डाल दें। या दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये जो स्पॉन्ज फिल्ट्रेशन है, इसका इसका स्पॉन्ज भी आप बदल के अपना वाला स्पॉन्ज लगा सकते हैं, या उसका थोड़ा पार्ट लगा सकते हैं, इसमें थोड़ी सी स्पेस है। ये भी एक स्पॉन्ज ही है, सिंपल नॉर्मल मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के लिए है ये। तो सबसे अच्छी बात इसमें मुझे जो लगी वो एक तो ये स्प्रे बार वाली लगी, कि इसमें आपका जो पानी है वो बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं होगा, प्लांट्स इधर उधर उखड़ेंगे नहीं। दूसरा ये है कि इसमें जो ये अटैचमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने एक्वेरियम के उसके हिसाब से लगा सकते हैं कि कौन सा मतलब क्या साइज है आपके एक्वेरियम का, तो उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें शायद ये थोड़े ज्यादा हो गए, एडजस्ट नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका फिल्टर आएगा, तो आप इसको साइड में लगा सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये रेक्टेंगुलर है तो उस हिसाब से ये साइड पे थोड़ा फिक्स भी हो जाएगा। और इसका जो ये पावर हेड है वो 12 वॉट का है, और इसकी कैपेसिटी जैसे मैंने बताया 880 लीटर्स पर आवर है। तो देखते हैं इस फिल्ट्रेशन का, इस फिल्टर का मतलब क्या रिस्पॉन्स है। कुछ दिन मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद फिर से एक फॉलो अप वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि कैसा बनता है, कैसा मतलब एक्वेरियम में कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का जो वीडियो था, आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि और भी कोई अच्छा फिल्ट्रेशन का मेथड है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है और छोटा है, जो कि एक्वेरियम के पैरामीटर्स को बैलेंस रख सकता है और अच्छा होता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन होना चाहिए, या मैं किस पे रिसर्च करूँ, किस तरह के प्रोडक्ट्स पे आप रिव्यू चाहते हैं एक्वेरियम से रिलेटेड। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस। Asleep until morning light.